मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिहाब भाई अपने सफ़र पर लगातार चलते जा रहे हैं और आज उनके इस सफ़र को 97 दिन बीत चुके हैं। दोस्तों, इन्होंने इन दिनों में अब तक 2500 किलोमीटर के दरमियान इस सफ़र को भी पार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं उनकी लाइव लोकेशन बता दूँ तो वे इस वक्त राजस्थान में चल रहे हैं और राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले को भी उन्होंने पार कर लिया है। दोस्तों, राजस्थान में अगला ज़िला पड़ता है गंगानगर, वे इस वक्त गंगानगर में चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सिहाब भाई से तमाम लोग मिलते जा रहे हैं और दोस्तों, आज के ज़माने में लड़कों में ये आदत सी बन चुकी है कि कोई अपने हाथों पर तो कोई अपने शरीर पर टैटू गुदवा लेता है, कोई कमर पर तो कोई बाहों पर, कुछ लिखवाता है तो कोई कुछ लिखवाता है। दोस्तों, सिहाब भाई उन सभी भाइयों को दीन इस्लाम के तरीके बताते हुए चलते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उन्होंने आज कई सारे लोगों से मुलाकात की, जिसमें एक कुछ नौजवान ऐसे भी थे मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें से एक भाई ने एक गले में एक माला वगैरह जैसी तस्वीर हो वो डाल रखी थी, उस तरीके से माला डली हुई थी। तो सिहाब भाई ने उसको रोक लिया और सिहाब भाई ने उसको सही तरीके से समझाया, कहा कि भाई ये सब इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम पर सही से चलो, आप सभी और हम सब अल्लाह के गुनहगार हैं, अल्लाह हम सब को माफ़ करे। दोस्तों, हम सब पहले से ही बड़े गुनहगार हैं और हम सब ये जानबूझकर ऐसी हरकतें करते चले आ रहे हैं। तो इसीलिए सिहाब भाई ने उस भाई को समझाया, कहा कि ये जो आपने गले में माला डाल रखी है इसको उतार करके फेंक दीजिए, जिससे कि अल्लाह खुश हो जाए। तो दोस्तों, तुरंत उसी भाई ने वहाँ से निकलकर उस माला को अपने गले से निकाला और ज़मीन पर फेंक दिया, जिसे देखकर सिहाब भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सिहाब भाई से जुड़ी हर नई अपडेट जानने के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।